स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम हम लोगों का पसंदीदा टॉपिक चल रहा है आजकल, और वो चलते चलते कहां तक पहुंचा है आओ देखते हैं। वर्क एंड टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्क एंड टाइम इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि कोई भी परीक्षा देश के अंदर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके अंदर ये इसके सवाल बनेंगे, जरूर बनेंगे। अलग अलग सिचुएशन में सवाल बनते हैं। अभी तक आपने बारी बारी वाले सवाल देख लिए हैं। कोई इंसान छोड़कर जा रहा आ रहा उसके सवाल होते हैं। अब इस पर जितना ज़्यादा अभ्यास आपका ले जाओ उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, उतना मैक्सिमम आप अभ्यास कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के सवाल ढूंढते रहते हैं। आप भी अपने खोजिए और तरह तरह के सवाल लगाया जाए, लगा करके देखा जाए कहते कहते हो सकते हैं। उस नए प्रश्नों की आपकी मुलाकात करवाते हैं, आओ देखते हैं। वो नए प्रश्न को लेते हैं और लगा के देखा जाए आखिर वो सवाल कैसे होंगे। पहला प्रश्न लिखो, इसी कार्य को ए, सवाल लिखता हूं आप लिखते चलो। इसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है, उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। अब देखो क्या इसमें अंतर क्या है। अंतर क्या है कि भाषा बदल गई बस। सवाल कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, लेकिन भाषा बदलने का परिणाम ये हुआ कि अब आदमी सोचा कुछ नया बात है यार, है कि नहीं। जितने समय में बी और सी मिलकर के उस कार्य को करते हैं, यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करें ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करें और सी अकेला इसे 50 दिन में करे तो बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। अब आप लोग लगाना को कोशिश करें, लगाने का प्रयास करें, देखिए कितना उत्तर बन सकता है। सवाल है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर लेता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं, और यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करें और सी अकेला इसे 50 दिन में करे तो बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। ये हमारा सवाल है, आओ देखो इसे लगाया कैसे जाना चाहिए। तो लगाएंगे इसको कैसे लगाएंगे, पहले तो आप ए प्लस बी लिख देंगे। ए प्लस बी मिलकर के इसे 10 दिन में कर और सी अकेला 50 दिन में करता, ये भी लिख देंगे। जो कुछ मालूम है उसको लगा लीजिए। पहले 50 और 10 का लघुत्तम निकालें तो 50 ही आएगा, पूरा काम 50 यूनिट हो गया। अगर हम क्षमता देखें तो 50 एक 50 और 10 बचे 50, क्षमता मिल गई। अब विचार करें आप, हम देख रहे हैं ए प्लस बी की क्षमता क्या है, 5 है। क्या मैं लिख दूं यहाँ पर, ध्यान से देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी दिख रहा हूँ, 5 दिख रहा हूँ। अब इन्होंने एक बात और कहा है, ए किसी काम को उतने समय करता है जितने समय बी और सी मिलकर करते हैं। तो इस ए की जगह पे हम बी और सी दोनों लिख सकते हैं, बी प्लस सी। अगर मैं इस ए की जगह पे बी प्लस सी लिख दूं, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि ए की क्षमता बी प्लस सी के बराबर है। पहली लाइन देखिए, लिखा ए किसी कार्य को उतने समय कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर कर सकते हैं, यानी ए की क्षमता बी प्लस सी के बराबर है। तो इस ए की जगह पे अगर मैं बी प्लस सी कह दूंगा तो बी प्लस सी यानी 2B प्लस सी हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2B प्लस सी हो जाएगा। 2B प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 5, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2B प्लस सी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, देखो
टू बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 5, और सी की वैल्यू आपको 1 पता है। अगर सी की वैल्यू 1 पता है और अगर मैं 1 यहाँ लिख दूं तो 1 यहाँ प्लस 1 होगा और उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। समझ पाए, कहानी खत्म हो चुकी, सवाल आ चुका है, इस लाइन की हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो आ ही चुका था। दोबारा देखो, मैं कह रहा हूँ एक बार सवाल दोबारा देखो, ए प्लस बी की क्षमता है कि 10 दिन में काम कर सकता है और सी की क्षमता है 50 दिन में कर सकता है। 10 और 50 का लघुत्तम हमने 50 निकाल लिया, हमने यह मान लिया 50 यूनिट टोटल काम होगा। अब हमको एक जानकारी यह दिया है कि ए की क्षमता बी प्लस सी के बराबर है, तो जहाँ कहीं ए लिखा हो उसकी जगह हम बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ बी प्लस सी लिख दिया और यहाँ बी ऑलरेडी है, तो बी प्लस सी यानी 2b प्लस सी की वैल्यू 5, जिसमें सी की वैल्यू हमें 1 बताई जा रही है, और सी की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, 1 तो 1 उधर जाएगा, तो 5 में से 1 घटकर 4 बचेगा, यानी 2b की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू 2 आ गई, b की क्षमता आ गई 2 यूनिट। अगर b की क्षमता 2 यूनिट आ गई मेरे भाई, तो बताओ a की क्षमता कितनी आ गई 3 यूनिट, और c की क्षमता तो ऑलरेडी गिवन है। हमसे पूछा गया है कि b वह काम अकेला कितना दिन में कर पाएगा, b की क्षमता 2 यूनिट है, 50 यूनिट टोटल काम है, 2 क्षमता से करेगा, कई दिन लगा देगा 25 दिन, और ये आपका आंसर है। तो सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल जो ऊपर लिखा है जब आप इसे लगाएं तो हो सकता है आप इसको पॉज कर लीजिए सवाल को और लगाने का प्रयास करिए कि देखिए कैसे ऐसे सवाल को आप हैंडल कर सकते हैं। अब किसी नए सवाल की तरफ चलते हैं, अच्छा लगेगा आपको देख करके, ऐसे तरह तरह के सवाल हम लोग लगाएं और देखें कि हम कैसे अपनी पकड़ इस पर बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फ्रैक्शन जैसा कुछ दिख रहा है। एक्स द्वारा किया गया कार्य वाई द्वारा किए गए काम का 3/4। सवाल देखो क्या है, एक्स द्वारा किए गए कार्य वाई द्वारा किए गए कार्य का 3/4। एक्स द्वारा किया गया कार्य वाई द्वारा किए गए कार्य का 3/4 वा जेड द्वारा किए गए कार्य कार्य का 5/4 है, कार्य का 5/4 है, 5/4 ऐसे लिख, 5/4 है। अब आप समझ पा रहे होंगे ए ने जो काम किया है वो कितना काम किया है, वाई का काम का 3/4 किया है और जेड के काम का 5/4 किया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया काम किया है भाई। अब क्या किया, और वाई अकेला उस काम को 6 दिन में कर सकता है, वाई अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है कि तीनों मिलकर वह कार्य कितना समय में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलकर वह कार्य कितने समय में करेंगे, कितने समय में करेंगे, ये सवाल पूछा जाए। सवाल ध्यान से देखो, पॉज करो और लगाने का प्रयास करो, सवाल बहुत अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब क्या है, हम अगर एक्स यहाँ लिख दें, वाई यहाँ लिख दें और जेड यहाँ लिख दें तो ये पता चल जाएगा कि कौन कितना काम किया है। कह रहे हैं एक्स द्वारा किया गया कार्य वाई द्वारा किए गए काम का 3/4 है, तो इसका मतलब 3/4 का मतलब अगर इसने 4 काम किया है तो इसने 3 काम किया, 3/4 हुआ। और सुनो क्या कह रहा है, तथा जेड द्वारा किए गए काम का 5/4 है, जेड द्वारा किए गए काम का 5/4 है, माने जेड अगर 4 किया है तो एक्स ने 5 किया है, ये कह रहा है। देख रहे हो, ध्यान से देखो, इनकी क्षमताएं देख लो, क्षमताएं निकल रही है। एक्स जो है वाई द्वारा किए गए काम का 3/4 कर रहा, 3/4 कर रहा, और जेड द्वारा किए गए काम का 5/4 कर रहा, यानी जेड अगर 4 कर रहा तो ये 5 कर रहा,
अब सोचो क्या इसे आप इन दोनों तीनों का क्षमता का अनुपात निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, तीन और पांच का लघुत्तम ले लेंगे 15। इसको 15 बनाने के लिए हम 5 का गुणा करेंगे, इसमें 15 गुणाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। और करो तो अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो इन दोनों 5 से गुणा होगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 से गुणा हो जाएगा। और अब आप जो है ये वैल्यू लिख लो, तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 12। ये इनकी आ गई क्षमताएं, क्षमता होगी कि नहीं क्षमता होगी देख लो। अगर जब ये 20 करते तो 20 का 3/4 ये करते, और ये 12 करते तो 12 का 5/4 वो करते, बताओ 12 का 5/4 हो जाएगा कि नहीं। तो ये तीनों की क्षमताएं आ गई, यही इन तीनों की क्षमताएं हैं। अब इन्होंने कहा कि वाई अकेला इस काम को कितना दिन में कर देगा, 6 दिन। वाई की क्षमता 20 है मेरे भाई, वाई की क्षमता 20 है और 6 दिन में कर देगा, तो पूरा काम कितना है 20 × 6 = 120 यूनिट टोटल काम हुआ। अब करें इस पूरे काम को तीनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे, तीनों मिलेंगे जब तो 20 और 15 = 35 और 10 = 45 और 2 = 47 कितना दिन में करेंगे, 120/47 दिन। और यही आपका उत्तर। कैसा रहा सवाल देखो ध्यान से, पूरा काम आया 120 यूनिट, 120 यूनिट काम को तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे तो 47 क्षमता हो जाएगी और 120/47 दिन लग जाएगा। आप चाहें तो उसको भिन्न में बना सकते हैं, चाहे यही रहने दीजिए, आपकी मर्जी, वो तो विकल्प पर निर्भर करता है। सवाल बहुत अच्छा है, मैंने ए बी बी सी से ए बी सी कैसे निकाला आपके सामने, अभी इसके पहले अनुपात चैप्टर में आप देखते होंगे ए बी बी सी से कैसे निकाला जाता है। हमने क्या किया, एक्स एक्स जब बराबर आ गया तो इसको मैंने तुलना कर दिया। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आपको एक बात बता दूँ, थोड़ा सा आसान कर दूँ, नहीं तो मान लो ऐसा गुणा आपसे ना हो पाए तब क्या होगा। हमने देखा कि एक्स दो बार आया तो हम क्या करेंगे, एक्स को बीच में रख देंगे, ऐसे लिख देंगे वाई एक्स और जेड कर देंगे। अब फायदा क्या मिलेगा, वाई एक्स 4-3 था तो मैंने यहाँ 4-3 लिख दिया, और एक्स जेड 5x था, 5-4 था तो मैंने यहाँ 5-4 कर दिया। अब आप जैसे करना जानते हो ऐसे कर लीजिए, देखो क्या हुआ, 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15 और 4 × 2 और 4 × 3 = 12, देखो ये अनुपात आ गया। फिर वही कहानी, एक्स की वैल्यू 15 आई है, वाई की वैल्यू 20 आई है, जेड की वैल्यू 12 आई है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये इस तरह से गुणा करने में दिक्कत आ रही है, ये रास्ता भी आपके लिए बेहतर है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बढ़िया सवाल हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 120/47 दिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ऐसे सवाल ढूंढना है, ढूंढ ढूंढ के हम लोग करेंगे, अच्छे से अच्छे सवालों को ढूंढेंगे और करा जाएगा। आओ देखो कुछ सामान्य सवाल भी करते हैं। लिखा ए बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है, आधा काम करता है, ए जो है उसकी क्षमता क्या है, बी से आधा काम करता है। सी ए व बी दोनों के द्वारा किए गए काम का से आधा काम करता है, सी ए और बी द्वारा, ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है, आधा करता है, इनों की क्षमता हो रही है, आधा करता है। यदि सी एक काम को अकेले 12 दिन में करता है, यदि सी अकेले किसी कार्य को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे बताइए। प्रश्न देखो क्या कह रहा, ए जो है बी से आधा काम करता है और सी कितना करता है, ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है, ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है। अब हमको बताना है सी किसी काम को 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। आओ पहले इनको निकाला जाए, कैसे निकालेंगे, हमने ए बी सी लिख दिया,
कह रहे ए बी से आधा काम करता, मतलब अगर ये दो काम करता है तो ये एक काम करता है, और सी क्या करता है, ए और बी ने जितना किया है उसका आधा ये करता है, तो इन दोनों ने मिलकर तो तीन किया है, तो तीन का आधा करेगा तो 3/2 कर देगा। अब ये आ जाएगा इनके बीच में क्षमता का अनुपात। हम क्या करें, इस दो को हटाने के लिए सबको 2 से गुणा कर दिया जाए। देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और 2 से गुणा करोगे तो 3। ये आ गई इनकी क्षमताएं, समझ पा रहे, क्षमताएं क्लियर हुई। देखो देखो ए बी से आधा काम करता है और सी इन दोनों के योग का आधा करता है, आपके सामने आता। फिर सवाल है कि सी अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है। हम जानते हैं सी की क्षमता 3 है, अगर 3 क्षमता है और 3 क्षमता से किसी काम को 12 दिन में करता है तो पूरा काम तो 36 यूनिट हो गया। अब इस पूरे 36 यूनिट काम को तीनों लोग मिलकर करेंगे, यानी 4 × 3 = 7 × 2 9 क्षमता से करेंगे, कितना दिन में कर पाएंगे, भाग दे दो 9 से, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, आपका उत्तर आ गया कितना, 4 दिन। अगर तीनों मिलकर वह काम करना चाहेंगे तो कितना दिन में कर पाएंगे, 4 दिन में कर पाएंगे। केवल भाषा की समस्या हो सकती है, सवाल बहुत आसान है अगर आप उसको लगाएंगे तो, केवल भाषा की समस्या अगर हटा दिया जाए सवाल बहुत शानदार है। भाषा की समस्या क्या है कि आदमी जल्दी से सोच नहीं पाता, यहीं पर उसे गलती होती है ना। तो अगर आप सोचने लगेंगे तो बहुत बेहतरीन है। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसे ऐसे हम लोग बढ़िया सवालों की तलाश में चल रहे हैं। अगला प्रश्न है ए और बी एक काम को अलग अलग, अगला प्रश्न है ए और बी एक काम को अलग 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 90 व 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 90 व 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दोनों ने साथ साथ काम करना आरंभ किया, दोनों ने साथ साथ काम करना आरंभ किया, आरंभ किया, दोनों ने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु कुछ दिनों बाद, परंतु कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद ये चला गया, ये चला गया। अब कितने दिन बाद गए ये नहीं बताया जा रहा, ठीक है, चला गया। फिर क्या हुआ है, शेष कार्य को बी ने 46 दिन में पूरा किया, शेष कार्य को बी ने 46 दिन में पूरा किया, 46 दिन में पूरा किया, पूरा किया। सवाल है कि ए कितने दिनों बाद चला गया, ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, कितने दिनों बाद काम छोड़ा, ये आपको समझना, यही सवाल बताना। सवाल देखो, साइज देखो, कठिन बिल्कुल नहीं है, जो लोग लगाना जानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, है कि नहीं। अब जो नहीं लगाना जानते उनके लिए हम काम करने जा रहे हैं, क्या करें, सबसे पहले दोनों की क्षमताएं निकाल ली जाए। क्षमता तो कुछ दी गई है, अब कुछ हम लोग निकाल लेंगे। देखो यहाँ हमने लिया ए, यहाँ ले लिया बी, ये 90 दिन में कर सकते हैं कोई काम, ये 80 दिन में कर सकते हैं। 90 और 80 का लघुत्तर निकालो, 9 × 72 = 720, 720 टोटल काम आ गए। अब 9 × 8 = 72 इनकी क्षमता 8 आ गई, और 8 × 9 = 72 इनकी क्षमता 9 आ गई। दोनों ने मिलकर कुछ दिन काम किया, नहीं पता कितना दिन काम किया, पता ही नहीं चला, तो हमें नहीं मालूम। तो मान लेता हूँ दोनों ने मिलकर 1 दिन काम किया है, उसके बाद ए भागा होगा, मान ले, माना ए 1 दिन बाद भागा, मान लू, माना ए 1 दिन बाद भागा, 1 दिन बाद भागा, तो 1 दिन अगर बाद भागा है तो 1 दिन तक तो किया ही होगा काम, 1 दिन तक दोनों साथ काम किए होंगे, यानी 9 और 8 = 17 क्षमता से इन लोगों ने 1 दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ, ए भाग गया, ए भाग गया,
तो बी ने बाकी काम 46 दिन में पूरा किया। बाकी बी की क्षमता क्या है, 9, 9 क्षमता से उसने 46 दिन काम किया, तब जाके 720 काम खत्म हो गया। समझ पाए, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए, दोनों ने मिलकर एक्स दिन काम किया होगा, तो 9, 8, 17 क्षमता से इन्होंने एक्स दिन काम किया। उसके बाद जब ए भाग गया होगा तो बी बचा होगा, उसकी क्षमता 9 है, और 9 क्षमता से उसने 46 दिन और काम किया होगा, तब जाके 720 यूनिट काम खत्म हुआ होगा। अब क्या करें, इसको हल कर लिया जाए। ये हो गया 17x प्लस 9 × 54 5, 9 × 36 और 5 = 40, 414 बराबर 720। अब ये 414 उधर जाके घटा देंगे तो 17x बराबर क्या हो जाएगा, घटाओ 10 में से 4 घटाओगे 6, और फिर बचेगा 11, 1 में से 1 घटाओगे 0, 7 में 4 घटाओगे 3। x की वैल्यू क्या है, 306/17, 17 × 17 = 3, 20 = 13, 36, 17 × 8 = 136, आपका उत्तर आ गया। ए 18 दिन काम किया होगा, उसके बाद भाग गया होगा, ए 18 दिन काम किया होगा और भाग गया होगा, यही तरह सवाल। सवाल ध्यान से देखिए, इतना आसान सा सवाल था। मैंने क्या कहा था, यह एक सामान्य प्रश्न हुआ, तमाम ऐसे विद्यार्थी जो बहुत आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं वो बिल्कुल लगा लेंगे, जो नहीं लगा सकते उनके लिए हमने प्रयास किया है, आप लगाइए और कुछ न कुछ मैसेज जरूर किया करिए, हम आपके मैसेज देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं, आओ अगले सवाल को बात करें, कहीं पर कोई समस्या आई तो चर्चा हमसे करें। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, एक्स किसी काम को 8 दिन में, सवाल देखो, एक्स किसी काम को 8 दिन में तथा वाई 12 दिन में कर सकता, तथा वाई 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता, 12 दिन में। अच्छा, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु यक्ष ने कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, परंतु ए ने काम समाप्ति से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ऐसा सवाल मैंने एक बड़ा सवाल करवाया था आपसे, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो वाई कितने दिनों तक काम में लगा रहा, तो वाई कितने दिनों तक काम में लगा रहा। देखो ये प्रश्न, हमने जो उदाहरण करवाया था आपसे कल, तो वो पिछले वीडियो में, तो उसमें 3 लोग थे, 2 ही लोग हैं, और आसान, मैंने 3 तरीके से बताया था इस सवाल को लगाने के लिए, 3 तरीका। जो लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको मैं बता दूं, इस सवाल को भी मैं 3 प्रकार से लगा रहा हूं, आप देख लें 3 तरीके से सवाल को हम कैसे। पहला तरीका है चित्र बना लीजिए, कैसे बनाएंगे, ए है, एक्स है, ए नहीं, एक्स है, आई 8 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, दोनों का लघुत्तम ले लिया 24, और 12 दूना 24, 8 × 3 हम क्या करते हैं, दोनों ने काम यहाँ शुरू किया होगा, इनका नाम है ए, इनका नाम बार बार एक्स वाई होना चाहिए, इनका नाम है एक्स, इनका नाम है वाई, और हमने मान लिया काम यहाँ समाप्त होगा, तो ये वाई तो बेचारा पूरा काम किया, और ये भाई साहब एक्स थे, काम खत्म होने के 2 दिन पहले भाग गए, लिखा काम ए जो है काम समाप्ति से 2 दिन पहले भाग गया, 2 दिन पहले भाग गया, तो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन, यही भागा होगा, अगर ये 2 दिन पहले भागा होगा तो लास्ट 2 डेज किसने काम किया, लास्ट 2 डेज तो केवल वाई ने किया होगा, वाई की क्षमता 2 होती है, तो 2 × 4 ही किया होगा। अब बताओ पूरा काम 24 था जिसमें 4 यूनिट तो यही होगा, यानी यहाँ पे 20 यूनिट काम,
अभी इस 20 यूनिट काम को दोनों ने मिलकर किया होगा, दोनों ने मिलकर काम किया होगा तो 5 क्षमता से किया होगा, 5 क्षमता से 20 यूनिट काम करेंगे तो 5 × 20 4 दिन लगा होगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक 4 दिन, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन, टोटल काम कई दिन में समाप्त हुआ होगा? 6 दिन। ये आपका उत्तर आ चुका, आपका पहला। पहले तरीके में आपने देखा कि जब कोई आदमी भाग गया है, जहाँ भाग गया वहीं पर उसको हम लाइन डॉटेड कर दी और वहीं पर उस काम को मैंने वाई से करवाया उतना दिनों तक और बाकी काम को दोनों से मिलकर करवाया और हमारा चित्र, हमारा उत्तर दोनों सही आ गया। 6 दिन में वाई ने 6 दिन काम, एक्स ने 4 दिन काम। इसी सवाल को एक और तरीके से सोचा जा सकता है, हम भगाए ही नहीं उसको, ए को पहले आदमी को ना भगाए। ध्यान से देखो फिर से, ये है एक्स, ये है वाई, 4 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, 24 हो गया लघुत्तम, 12 × 24 8 × 24 ना, तो हमें करना ही है। क्या हुआ था, ये जो है जा रहा था, काम खत्म होने से 2 दिन पहले भाग, भाई साहब मुझे काम है जाने दो, आए जाने दो, तो बी के साथ रहना ही नहीं है, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा एक काम करो भाई, तुम भागो मत, तुम 2 दिन हमारे किसी और खेत में काम, क्या दिक्कत। मान गया, ये भागा नहीं, उसने 2 दिन हमारे किसी और खेत में काम किया, तो अगर 2 दिन किया होगा 3 क्षमता से तो 3 × 6 यूनिट और कर दिया होगा। यहाँ पे काम हमारा 24 था और 6 यूनिट काम उसने एक्स्ट्रा कहीं किया हुआ है, तो 24 और 6 कितना हो गया, अब हमारे पास 30 यूनिट काम हो गया और कोई नहीं भागा, कोई नहीं भागा। अब दोनों मिल करके बताओ, दोनों मिलेंगे 3 × 2 = 5 क्षमता हो गई, 5 क्षमता से बताओ 30 यूनिट काम कितने देर में होगा, आप कहोगे 6 दिन में होगा, आपका उत्तर वही 6 दिन आ चुका है। सेम क्वेश्चन है और वो बिना भागे, मतलब उसको मैंने भगाया नहीं, किसी और खेत में काम करा दिया। असल ही आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि सवाल को आप कैसे करवाएंगे, है कि नहीं। सवाल तो दिया ही अपने हिसाब से, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन सवालों को कैसे लगाएंगे। और तीसरा तरीका भी बताए थे कि मान लीजिए आपको यूनिट नहीं पता है, अब कैसे करें। फिर से मैं कर रहा हूँ, एक्स और वाई 8 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। हम यह मान लें वाई ने कुल ए दिन काम किया होगा, तो एक्स ने क्या किया होगा, ए माइनस 2 दिन काम किया होगा। आप समझ पा रहे, अगर वाई ने ए दिन काम किया होगा, लिखो वाई ने ए दिन काम किया, तो एक्स ने कितना किया होगा, एक्स ने ए माइनस 2 दिन काम किया, क्योंकि 2 दिन पहले भाग गया होगा वो। अब जरा बताओ ए 1 दिन में कितना कर पाता है, 1/8, 2 दिन में 2/8, तो बताओ ए माइनस 2 दिन में कितना काम करेगा, ए माइनस 2/8। ऐसे बी 1 दिन में क्या करेगा, 1/12, ए दिन में क्या करेगा, 1/12, और दोनों मिलकर के पूरा एक काम खत्म कर दिए। हल कर लो इसको, 12 × 8 का लघुत्तम निकालोगे आप 24 आएगा, 8 × 3 = 24, 3 का ऊपर गुणा करो 3a, माइनस 6 × 12 = 24, 2a = 1। अब 3a और 2a 5a हुआ, 5a माइनस 6 = 24, ये 6 उधर जाएगा तो 5a = 30, a बराबर कितना आ गया, ये है आपका उत्तर। तो ये तरीका तो बहुत बड़ा है, इसको तो तभी लगाया जाए जब कोई दूसरा तरीका ना फॉलो करे, क्योंकि तो इतना मेहनत कहाँ कर मिलता है, एग्जाम टाइम में इतना समय ही नहीं मिलता है। तो आप या तो ये आप तरीका अपना सकते हैं या तो ये तरीका अपना सकते हैं, दोनों में से कोई भी अपना दे बहुत बढ़िया और सवाल आपसे बहुत आसानी से आ जाएगा। नहीं चल रहा, एक प्रश्न और देखें आप, ऐसे सवाल हैंडल किया जाए, लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो यही सीख आओ देखें। लिखा है कि विनय और अभय एक काम को, सवाल है विनय और अभय, अभय एक काम को क्रमशः, एक काम को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में कर सकते, 18 दिन और 12 दिन में कर सकते। दो भैया है, एक का नाम है विनय भैया, एक का नाम अभय भैया, दोनों लोगों ने मिलकर 18 दिन और 12 दिन में कर सकते है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, काम शुरू किया
फिर क्या हुआ होगा। किंतु काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले बी भाग गया, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बी भाग गया, बी भाग गया। बताइए काम समाप्त होने में कुल कितना समय। तो काम समाप्त होने, काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा, ये है सवाल। आप ध्यान से देखो, सवाल पिछला वाला ही है, ये एकदम पिछले जैसा सवाल है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आओ देखा जाए, एक का नाम है विनय, एक का नाम है अभय। ये 18 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर, 18 12 का लघुत्तम कितना है, 36 यूनिट टोटल काम है। हमने देखा तो दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है, जिसमें भगाओ मत किसी, कहीं से और करवा लो काम। हा? देखो बी साहब जो है, बी माने विनय जी, मेरे साथ काम करो, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी भाग गया। बी माने विनय था, यहाँ पर विनय नहीं अभय, अभय। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन भागा है, कितने भैया। अब क्या करेंगे, बी भाग, अभय भाग, चलो लगाया जाए। तो इनकी क्षमता निकाल लो, 18 दूनी 36, 12 3 36। तो जो बी भाग रहे थे, यानी अभय भैया भाग रहे थे 3 दिन पहले, उनसे कह दिया जाए ऐसा करो मेरे भाई, 3 दिन और हमारे यहाँ काम किसी और खेत में, तो 3 दिन अगर ये रुक गए तो 3 या 9 यूनिट काम कहीं और कर देंगे। अगर 9 यूनिट इन्होंने और कर दिया तो 36 9 45 यूनिट काम हो जाएगा हमारे पूरा काम। इस 45 यूनिट काम को अब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो 5 क्षमता से करेंगे, और 5 क्षमता से करेंगे तो कई दिन में करेंगे, 9 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। ये हमारा उत्तर आ गया, 9 दिन, ये रहा उत्तर। लगाने का तरीका देख लो, वर्क एंड टाइम के सवाल को सोचने का तरीका आप देख लीजिए, है ना, इतना इंटरेस्टिंग है। आप बैठेंगे लगाने, एक एक करके सारे सवाल लगाते चले जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होने जा रही, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतरीन समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में, और बहुत मज़ा आएगा। लगाते रहिए और लगाते रहिए सवाल। वीडियो देखने के बाद में कोई मैसेज भी क्या करें, ना समझ पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, किस सवाल में कोई दिक्कत आई है, तो हम देखते हैं, हम बात करेंगे आपसे, समझ पा रहे हैं, निश्चित रूप से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।